दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इसे 3 दफ़े दिन में 2-2 चम्मच पिलाइएगा, इसे ठीक हो जाएगा जी। मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए आइए। क्या हुआ जेठानी जी, कैसी है बबुआ की तबीयत? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? खटाई खाने से ही बीमार हुआ है, लेकिन कौन समझा है? पता नहीं ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चे का सर्वनाश करने आई है इस घर में। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माई, जिस तरह लाची दीदी मुन्ना का ख्याल रखती है उस तरह तो कोई भी नहीं रख सकता। तभी तो सब कहते हैं कि पैदा करने वाली माँ से बढ़कर होती है पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ। तभी तो देवकी को नहीं यशोदा मैया को कहते हैं कृष्ण जी की माँ। नहीं राधा। अर्जुन क्या बात है? विष्णु भैया आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सरजू हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। हाँ कहिए। आज हम केसु को खाना देने थाने गए थे, जब हम लौट रहे थे तो हमने थाने में कल्की को देखा। क्या? हाँ, वो घूस के रूप में थानेदार को कहने दे रही थी। हमारी चप्पलें घिस जाएंगी अदालत के चक्कर काटते काटते, लेकिन केसु नहीं छूटेगा। नहीं हम हमेशा से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते आए हैं और चलते रहेंगे। हम किसी को घूस नहीं दे सकते। हम हर उस इंसान को दोषी मानते हैं जो घूस लेता या देता है। हम अपने दत्ता को छुड़वाएंगे जरूर, लेकिन कानूनी तरीके से, सच्चाई की राह पर चल के। कानून पर विश्वास है हमें। तो ठीक है फिर, हमें जो ठीक लगा हमने कह दिया, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। हे प्रभु, हमारे परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई? हमारी खुशियां वापस लौटा दे प्रभु, वापस लौटा दे। लाची, हमारी समझ में नहीं आता कि किस मुंह से तुझे दिलासा दे हम, लेकिन ये तो सोच पगली कि बबुआ की तबीयत ठीक हो गई, बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई। बबुआ की तबीयत संभल गई माई, लेकिन हमारी किस्मत कब संभलेगी? पता नहीं उनको जेल से रिहाई कब मिलेगी। सरजू कोशिश कर रहा है ना लाची, वो कह रहा था सोमवार के दिन कचहरी खुलेगी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ नहीं होगा माई, कल्की ने उस थानेदार को खरीद लिया है और वो थानेदार इतनी आसानी से आपके बेटे को रिहा नहीं करेगा। ये तो क्या कह रही है लाची? सच कह रहे हैं माई, विष्णु भैया ने अपनी आंखों से देखा कल्की को उस थानेदार को रिश्वत देते हुए। कल्की ने सोने के जेवर दिए उसे, कल्की से बिना पूछे और उसकी इजाजत के बिना वो थानेदार उन्हें रिहा नहीं करेगा। हे भगवान, हमारे बेटे को कैसे छुड़ाएंगे हम? लाची, हमें तो केसु को बाहर लाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक रास्ता है माई, अगर सरजू मान जाए तो। वो क्या? माई, अगर कल्की रिश्वत देकर इन्हें हिरासत में बंद करवा सकती है तो सरजू उससे भी बड़ी रिश्वत देकर इन्हें रिहा भी तो करवा सकता है ना।